जी कैसे हो? यहाँ था कैमरे में दिखाई उल्टा लुक सेंटर मैम सेंटर मैम कैमरा लो। अरे नेचुरल ले रहे हैं। मैम लुक सेंटर ऑल ऑफ यू मैम थैंक यू वेट गाइस बच्चों रुको रुको वन मोर या तमाम या मैम कॉर्नर नाम या यहाँ पर हो गया हमारी सेंटर हाँ स्माइल वो भी तो वो भी काम में संभाल लेना।
I'm left side here. One more. Thank you. Yeah, look at here. Done. Thank you. Thank you. Totally. Excuse me. I'm look center. Yeah, ma'am. Excuse me. Thank you. So plug card is on hand. Maya. Plug card. Yes. Yes. Everyone, look here. One more. Thank you. Mar mar Sumit mar. कैमरा बाकी मार समझ रहा हूँ। अरे आज ही बैठ। First about the initiative by Smile Foundation and Jhelum Fashion House. I mean, it's an initiative for the girls' choice empowerment. So what you're doing on it? Well, I'm here for the Smile Foundation, and this is a charity event, and this is I think amazing. It's organized by Jhelum and Narayan Jewelers, and this is a charity event. So whatever sales they do today, and the jeweler or the clothes, whatever sales they're gonna do, there's some percentage which is gonna go to the charity. So I think it's going on girls' education. I think this is an amazing cause, and I'm definitely gonna support it. And this is second time. This is my second time with Smile Foundation, and I always love to be there on the events because I myself support them. And this is an amazing cause, and of course we are here to support them. तो बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा, तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन सा ऐसा इशू लगता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अगर आपको अपने हिसाब से करना हो, जब भी आपके पास टाइम हो, यू नो, अकॉर्डिंग टू योर सी आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज. आई थिंक आपको डजंट मैटर आप किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, डजंट मैटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आप एक छोटा स्टेप ही लेते हो दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर यू. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज एंड सी कि अच्छा आप कहाँ पर जा सकते हैं कहाँ. और वेन इट कम्स टू स्पेशली फाउंडेशंस, सो आई डोंट थिंक सो आपको उनको लिस्ट में डालना चाहिए कि ओके दिस इज़ द नंबर वन, दिस इज़ द सेकेंड वन, आई एम गोना गो टू नंबर वन और आई एम गोना गो टू सेकेंड वन. सो आई थिंक आपसे जितना हो सकता आप करिए, डजेंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर द एजुकेशन. और यू नो लाइक मी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई हैव माई ओन चैरिटी, आई हैव माई ओन थिंग. लाइक वेन एवर आई फील और वेन आई हैव ए टाइम, मैं वहाँ पे लड़कियों की स्टडीज़ के लिए उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ. एंड ऑल्सो ऑल द पुअर फैमिलीज जो हमारे गांव में रहती हैं, पुअर फैमिलीज, यू नो लाइक दे स्टिल दिस ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. एंड आई गो पर्सनली टू देम एंड यू नो आई एम वेरी आई थिंक बिग इन गिविंग लेक्चर्स, आई एम रियली सॉरी. सो आई जस्ट ट्राई टू टॉक टू देम एंड ट्राई टू कन्विंस देम बट ऑल दे कैन डू. अभी हमने पंजाब में एक सिलाई सेंटर खोला है जो गरीब लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ जो ऑब्वियसली जो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए उनको पेमेंट पे नहीं दे सकते हैं. सो हमने एक एक सिलाई सेंटर खोला है. इसके अलावा वी हैव ए फाउंडेशन जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड. सो वट एवर देयर पेरेंट्स आर अर्निंग लाइक मे बी अ मंथली और वीकली वट एवर हाउ मच दे कैन डिपॉजिट इन देयर अकाउंट दे शुड डू इट लाइक मे बी 500 bucks और 1000 bucks और वट एवर यू वॉन्ट डू इट यू जस्ट डू इट. जब लड़की 18 साल की होती है वही पैसा उनकी एजुकेशन में जाएगा और शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड उसके मैरिज में खर्चा किया जाएगा और शी वॉन्ट्स टू डू द एजुकेशन, शी वॉन्ट्स डू एनी थिंग, दैट मनी इज़ लाइक हर मनी. सो आई थिंक डजन जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज इट. जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए एंड जस्ट be supportive. I feel. And lastly, what's going on professional front? Are you working on any project or reading any script as well? Well, I won't talk much on my professional things here because today I'm here for the child foundation.
Foundation, and I would like to talk only about the Child Foundation. Coming back to work, yes, I have few projects lined up, so I will discuss on the, I think maybe next interview, not here today. Thank you. Foundation is going to help out the girl child for education and other initiatives. So, क्या कहना चाहेंगे? इतना wonderful initiative है आपके. बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा initiative है. और campaign का नाम है She Can Fly, which is a very good cause. हर लड़की का एक सपना होता है. मुझे लगता है कि हर लड़की को अपने सपना जीने का पूरा अधिकार है. So मेरे भी कुछ सपने थे और मैं उन्हें जी रही हूँ. लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैसिलिटीज़ हर लड़की को नहीं मिलती है जो यू नो स्माइल फाउंडेशन के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू लड़कियों को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड या सो आई एम हैप्पी टू बी हियर, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. Thank you so much. Now it is like, I think you are taking very good care of your health and very conscious to your health and figure nowadays. कितना कैंप है, क्या मतलब अपने like exercise and all you do. बिल्कुल, हर लड़की को अपने, इनफैक्ट हर किसी को अपने फिगर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए. मैं भी रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा खाना और पानी ज़्यादा पीना. और आई थिंक हर इंसान को अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, तभी वो किसी और का ख्याल रख पाएगा. सेलिब्रिटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्पोर्टेंट. अब हर इंसान के लिए आई थिंक ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए. कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, पर मुझे लगता है कि हर किसी को ये सब करना चाहिए टू बी फिट. ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लिम दिखना है या आपको खूबसूरत. आप अंदर से फिट रहेंगे तो आप अपने आप खूबसूरत दिखाई देंगे, आप हेल्दी होंगे तो आप अपने आप अच्छे दिखाई देंगे. ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर? क्योंकि हमको देखा था आप अचानक से आप गायब हो गए और अब दिख रहे हैं आप बहुत स्मार्ट. सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक टू शेयर? बिल्कुल, अभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आई कांट रिवील इट. आप डायरेक्ट देखिएगा. मूवी और सीरियल? आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग. एनी हिंट फॉर योर फैंस? टीवी देखते रहिए. थैंक यू. Fashion House and you know Smart Foundation, this initiative supporting girl child education and other initiative. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंसान अगर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता रहे किसी न किसी तरह से, सो यू नो किसी को भुखमरी से या गरीबी से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आई एम सो प्राउड ऑफ देम दैट दे आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड दे कॉल मी एंड आई जस्ट कुड नॉट से नो, बिकॉज आई लव दीज किड्स, दे आर फैंटास्टिक, आई डोंट वॉन्ट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू मीट दैम. And Smile Foundation, I feel, are very genuine and they do a lot of real work, you know, on field. And I have known Maya and these girls, they really work hard to give these kids the best life that they can. And I'm here. If mere yahan hone se kuch thoda bhi fark padta hai, koi sale double ho jati hai, kuch ho jata hai, I'll be more than happy कि मेरी वजह से या मेरे थोड़े से सपोर्ट की वजह से या इन सब लोगों की सपोर्ट की वजह से उन बच्चों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा जिनको अदरवाइज कोई यू नो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देता. Is there any issue in my mind as celebrity? ऐसा कोई जैसे रेप केस देखते हैं या कोई भी बड़ा इशू होता है ये स्वच्छ भारत. कौन सा कॉज है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? Which cause you want to support? Well, I am already supporting a cause that's called humanity. My web series Abdul Ki Sun talks about that. I made a web series for it because I thought as an actor, what better can I do? मैं एक्टिंग करके एक्सप्रेस कर सकती हूँ और हमारा इज आयरॉनिक और स्ट्रेंज वियर्ड एंड हैप्पी ऑल्सो. टुडे इज़ आवर लास्ट सीजन फिलहाले यू नो रिलीज एंड इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड स्माइल. सो इट वॉज सच अ कोइंसिडेंट कि मुझे नहीं पता था कि मैं आज वो रिलीज़ होगा और आज मैं स्माइल फाउंडेशन के लिए यहाँ खड़ी होंगी. सो या मेरी एपिसोड नहीं, कोई टैग लाइन तो नहीं है, बट मेरी एपिसोड अलग अलग ह्यूमन फीलिंग्स पे बेस्ड हैं. वो फीलिंग्स जो हमें चेंज करती हैं, बदलती हैं, किसी न किसी तरह से हमारे अंदर बदलाव लाती हैं. ये ह्यूमैनिटी की छोटी 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 सिंपल कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स बातें हैं जो इतनी आसान है, बट हम बिकॉज इतना कुछ चलता है दुनिया में, हम उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. सो
ईच एपिसोड ऑफ माइंड जस्ट टॉक्स अबाउट दैट फीलिंग और वो उसी फीलिंग पे बेस्ड है और उस फीलिंग से कितना कुछ बदल सकता है उस पे बेस्ड है. लास्ट एपिसोड इज कॉल्ड स्माइल. इट इज एज सिंपल एज नॉट टू मिस अ स्माइल. यू नो हाउ अ स्माइल कैन सी जस्ट नाउ आई स्माइल और आपने फट से हंस दिया. सो दैट्स हाउ फास्ट उसका रिएक्शन होता है. सो दैट्स हाउ सिंपल एंड ब्यूटिफुल द फिल्म इज. ओके सर मैम ये तो हो गई फाइनल एपिसोड. आज फाइनल एपिसोड हो चुके हैं तो नेक्स्ट एवर कब आ रही है? अब यार सीजन टू पे हम काम कर रहे हैं. बहुत सारे किस्से हैं दुनिया में जिनको बनाया जा सकता है और मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हर इंसान को इसके बारे में इस वक्त बात करनी चाहिए. आप देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है दुनिया में. यू नो यू रियली फील लॉस्ट. समटाइम्स आई फील लॉस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इफ आई थिंक कि मुझे लोग कहते हैं आप सेटल कब होंगी, बच्चा कब पैदा करेंगी, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को किस दुनिया में लेके आऊँगी, क्या क्या दूँगी उसे मैं. सो पहले मैं अपना दुनिया तो बेटर बनाऊँ किसी तरह से, अपनी तरीके से या अपनी जो जितना मैं चेंज कर सकती हूँ. और जैसे मैं हर बार कहती हूँ एक एक इंडिविजुअल बस अपना अपना काम कर ले, बहुत हो गया, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. सो द सेकेंड सीजन वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर ट्राइंग टू कीप इट लिटिल कॉमिकल दिस टाइम क्योंकि मैंने भी बहुत सीरियस काम करके थोड़ा मुझे भी अफेक्ट होने लगा है. बाकी मेरी एक फिल्म पे काम चल रहा है जो शमा सिकंदर प्रोडक्शन के अंदर बन रही है. मेरी एक फिल्म है जो ऑलरेडी सारे फेस्टिवल्स के लिए जा चुकी है और जब उसके बारे में मुझे बोलना अलाउड होगा मैं आप सबसे बोलूँगी. बट दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ एंड आई कांट वेट टू शेयर इट. थैंक यू. एक लुक दीजिए ना सामने. Definitely, I mean, getting associated with the Kids of Smile Foundation is always a very beautiful thing to do. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं. कभी स्माइल फाउंडेशन के लिए वॉक किया, गुरमीत ने जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था इस साल. और इट ऑलवेज फील्स गुड एक्ट टू ब्रिंग स्माइल टू द फेस एंड टू इनिशिएट अ कॉज which helps a girl child to grow. मुझे लगता है इंडिया में ऐसे causes की बहुत ज़रूरत है और झीलम has come up with something very nice and unique. I think जहाँ पे glamour और अच्छे कपड़े तो वहाँ पे celebrities आ जाते हैं और to get associated, I mean get Smile Foundation on board, it will get a lot of attention to them. तो I think she's doing a very good job. क्या कहना चाहेंगी पल्टन के बारे में? अगले हफ्ते रिलीज हो रही है. सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड. मैंने पर्सनली फिल्म तो देखी नहीं है पर मुझे पता है मोर ऑर लेस. और आई एम लाइक दिस वुड बी समथिंग वेरी यूनिक
फॉर गुरमीत और बहुत अर्ली हो रहा है उसके करियर में. बहुत लोगों के थोड़े लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसे आर्मी फिल्म करने को मौका मिलता है. गुरमीत के एकदम इनिशियल स्टेज में वो आर्मी फिल्म कर रहा है. आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड. हम दोनों बहुत नर्वस है एंड आई एम थिंकिंग आप सब भी है. उसके पास इतने गुड विशेज़ है तो हम सब साथ में देखेंगे और देखेंगे क्या करते हैं. मैं तो शायद रोऊंगी. थैंक यू.